हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको निकालना सिखाएंगे कि कोई भी अगर प्रीवियस डेट है और आज की करंट डेट है तो प्रीवियस डेट और आज की करंट डेट में एग्जैक्ट डिफरेंस कितने इयर्स का है, कितने मंथ्स का है और कितने डेज का है। लेट्स से अगर किसी की कोई डेट ऑफ बर्थ है, अगर वो ये निकालना चाहता है कि आज की डेट में मैं कितने इयर्स, कितने मंथ्स और कितने डेज का हूं, तो आप इसको किस तरह से इजीली निकाल सकते हैं। और इस तरह क्वेश्चन जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो आइए हम इसको देखते हैं। इसमें आपको सिंपली जैसे हम लोग सेपरेट करते हैं उसी तरीके से करना है। हम फिलहाल इसमें तीन एग्जाम्पल्स लेके आपको बताएंगे। तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, जिस हिसाब से हम सिंपल सेपरेक्शन करते हैं उसी को आपको फॉलो करना है। इसमें हमने जो लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है डेट मंथ एंड ईयर, डेट मंथ और ईयर। तो डेट हमारी है, जो करंट की डेट हमने इसमें एज्यूम करी है 15 मंथ सितंबर और ईयर 2019, और जो प्रीवियस डेट है वो हमने ली है 10 जुलाई 1985। तो आपको इसको सिंपली जैसे हम लोग सेपरेट करते हैं उसी तरीके से सेपरेट करना है, बट आपको इसमें सबट्रैक्शन जो स्टार्ट करनी है वो डेट से शुरू करना है। जैसे 15 डेट है और ये 10 डेट है, करंट में 15 है और प्रीवियस 10 है, तो 15 में से 10 आपने माइनस किया तो 5 आ गया। और ये सितंबर मंथ है, ये जुलाई मंथ है। सितंबर जो मंथ होता है वो नाइन्थ मंथ है। और जुलाई 7th मंथ है। तो आपको सिंपली सितंबर में से जुलाई यानी कि 9 मंथ में 7 मंथ गए तो 2 मंथ बचे। उसके बाद आप ईयर में आ जाइए, ईयर में सिंपल जो माइनस करते हैं हम लोग, 9 में से 5 गए 4, 1 में से 8 ही जाएगा तो यहां से कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 11 में से 8 3, और बाकी ये हमारा 19 में से 19 पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर डेट में जो बंदा है 15 सितंबर 2019 में वो 34 इयर्स 2 मंथ्स और 5 डेज का, 34 इयर्स 2 मंथ्स एंड 5 डेज। इसी को हम एक और एग्जांपल में समझते हैं। आगे देखिए, इसमें जो करंट डेट है हमने लिए 11 अगस्त 2018, और जो प्रीवियस डेट लिए वो है 20 मई 1989। तो इसमें भी आप उसी अकॉर्डिंग माइनस करेंगे, लेकिन आप देखेंगे ऊपर जो डेट है 11 वो छोटी हो गई, तो इसके लिए हमें फिर यहां से कैरी लेना पड़ेगा जैसे हम नॉर्मल सबट्रैक्शन में कैरी लेते हैं। अब यहां पर जो एग्जिस्टिंग मंथ है वो अगस्त का दिया हुआ है, जो अगस्त चल रहा है, अगस्त कंप्लीट नहीं हुआ, तो अगस्त कंप्लीट नहीं हुआ इस कारण से इसमें कैरी फॉरवर्ड जो होगा वो जुलाई के महीने से होगा, क्योंकि अगस्त से पहले जुलाई महीना आता है, और जुलाई के मंथ में वी हैव 31 डेज, तो 31 डेज यहां से यहां फॉरवर्ड किए जाएंगे 31 डेज, तो 31 डेज और ये 11 डेज, तो 31 और 31 प्लस 11 हो जाएगा 42, इसको प्लस करेंगे तो 42 आ गया, और 42 में से आप इस 20 डेज को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 22 डेज। अभी हमारा अगस्त महीना था, इसमें से हमने एक महीने इधर भेज दिया तो ये 8 मंथ्स थे, 8 मंथ्स में से एक मंथ यहां चले गए तो हमारे पास रह गए 7 मंथ, और मई जो है हमारा 5th मंथ है, तो 7 में से 5 गए 2, सिंपल जैसे माइनस करते हैं वैसे करना है आपको, 7 में से 5 गए 2। अगर मान लीजिए यहां कम पड़ता तो हमें यहां से कैरी लेना पड़ सकता था, उसको मैं अभी आपको एक और केस में बताता हूं। और यहां पर 2018 में से हमें 1989 माइनस करना है, तो सिंपल 8 में से 9 माइनस नहीं होगा तो यहां से कैरी गया, तो यहां से कैरी गया तो 18 में से 9 ये हमारा 9 आ गया, और यहां पे 0 रह गया, फिर यहां से कैरी लेंगे हम तो यहां पर हमारा 10 बन जाएगा, 10 में से 8 गया 2 और ये हमारा 1919 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सबट्रैक्शन। तो यानी इस पर्टिकुलर केस में जो इन दोनों एज के बीच में गैप है वो 29 इयर्स 2 मंथ्स और 22 डेज का दिया हुआ है। हम एक और डेट देखते हैं, इसमें हमने जो ईयर लिया हुआ है 2012, ये लीप ईयर है, ठीक है। तो इसमें भी आपको सिंपल वैसे करना है, पहले डेट में से डेट माइनस होगी तो 12 में से 25 माइनस नहीं होगा तो यहां से एक मंथ यहां पर कैरी फॉरवर्ड होगा, तो कैरी फॉरवर्ड में मार्च एग्जिस्टिंग मंथ है, मार्च अभी चल रहा है,
तो इसलिए हम मार्च से प्रीवियस मंथ लेंगे, और मार्च से जो प्रीवियस मंथ है वो फेब का है, और 2012 क्योंकि लीप ईयर है इसलिए फेब्रुअरी 29 डेज की होगी लीप ईयर में, तो 29 डेज यहां से यहां फॉरवर्ड होगा, 29 डेज हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिए, तो 29 भी और 12 भी, तो 29 और 12 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 41। 41 में से फिर आपको 25 को माइनस करना है तो ये आ जाएगा 16, तो यानी इसको सॉल्व करके हमारे आ गया 16 डेज। और ये क्योंकि यहां पे 3 महीने थे, 1 महीना हमने यहां पर भेज दिया, तो यहां पर हमारे अब 2 मंथ रह गए, 2 मंथ रह गए हमारे यहां पर, और ये अगस्त हमारा 8वां महीना है। अब अगेन हम 2 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, तो यहां से एक ईयर कैरी फॉरवर्ड होकर यहां पर आएगा, जैसे नॉर्मल सबट्रैक्शन में होता है। तो एक ईयर जब कैरी फॉरवर्ड होकर यहां पे आएगा तो एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, क्योंकि ये मंथ्स का कॉलम है, तो यहां से यहां 12 मंथ्स आएंगे, तो यहां से यहां हमारे पास 12 मंथ्स आ गए, तो 12 प्लस 2 14, क्योंकि कैरी है और ये 2 एग्जिस्टिंग है, 14, और 14 में से 8 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 6, तो 6 मंथ्स। अब इसको माइनस करेंगे, ये हमारा कैरी फॉरवर्ड किया था तो ये 2011 रह गया, तो 2011 में से माइनस करेंगे अगर हम यहां पर 2011 में से 1983, तो अगेन सिंपल 1 में से 3 माइनस नहीं होगा तो कैरी जाएगा यहां पर, तो 11 में से 3 गए 8, और यहां पे 0 बच जाएगा, तो यहां से फिर कैरी फॉरवर्ड होगा 10 में से 8 गए 2, और ये हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया 28। यानी इस पर्टिकुलर केस में जो इस करंट ईयर और इस प्रीवियस ईयर में जो डिफरेंस है वो 28 ईयर्स 6 मंथ्स और 16 डेज का है। तो आप दोस्तों इस मेथड से आप कोई भी प्रीवियस डेट दी हो और आपको कोई भी आज करंट डेट दी हो तो आप एग्जैक्ट इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से आपका कोई भी एक वन डे का भी कोई मिस्टेक नहीं आएगा, बिल्कुल 100% सही आएगा। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आगे हम जो है इसी तरह के वीडियोस और अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।